नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और इधर आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी धुआं जो उठ रहा है, ये है हल्दी। हल्दी का इससे पहले मैंने वीडियो आप लोगों को बनाया था, जब मैं खोद रहा था उसके बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। आज उसी हल्दी की प्रोसेस चल रही है, किस तरह से उबालते हैं, कैसे बनाते हैं और देने का तरीका, जो 10 ग्राम में पर डे यूज करता हूँ आप लोगों को बताया था। यदि हल्दी आप लोग भी बकरियों को पर डे यूज करते हैं और अपनी घर की देसी हल्दी देते हैं तो बीमारियाँ ना के बराबर आती हैं, तो उसी का प्रोसेस आज चल रहा है। हल्दी हम लोग उबाल रहे हैं, कैमरा बैक करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों ये है हल्दी, आप लोग बाल्टी में देख सकते हैं, मैंने उबालने के लिए रखी है। तो ये सेम टू सेम अदरक जैसी दिखती है, देसी हल्दी है, बड़ा अच्छा काम करती है, बकरी पालन में बड़ा इसका उपयोग है। तो चूँकि अब खोदने के बाद इसको हमने धुली है, धुलने के बाद ये बटुआ में उबाल रहे हैं और इसको बहुत अधिक नहीं उबालना है। जैसा इसमें पानी के बुलबुले उठ रहे हैं, जब इस तरह से उबलने लगे, उठने लगे बुलबुले, तब इसको उतार लेना है। क्योंकि यदि इसको ज़्यादा उबाल देते हैं गल जाती है तो फिर प्रॉब्लम होगी, सही से बनती नहीं है। इसको हल्का हल्का सा ही उबालना है, हल्का हल्का सा उबालने के बाद इसको फिर सुखाया जाएगा। तो जो पीस बड़े हैं उनको मैंने काट लिया है, और काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मशीन में पीसते नहीं बनता है, यदि छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आसानी से पीस जाते हैं, इसलिए बड़ी जो गांठें हैं हल्दी की वो हमने काट ली हैं। तो ये उबल गई है हल्दी, उबलने के बाद ये मैं इसको डाल रहा हूँ। भाप चूँकि निकल रही है इससे बड़ा गर्म लग रहा है, बटुआ हमने रख दिया है, इसमें 5 किलो से अबव ही आ जाती है हल्दी। बटुआ काफ़ी बड़ा है लेकिन हमारे पास हल्दी चूँकि बहुत है, काफ़ी मात्रा में हो गई है, तो कई बार में 4-5 बार में बटुआ में उबालना पड़ेगा, क्योंकि हल्दी के हिसाब से जो बटुआ है वो छोटा है। 4-5 बार में उबालेंगे तो इसका जो पानी है, नीचे मैंने खटिया के नीचे बाल्टी रख दी है ताकि गर्म पानी उसी में इकट्ठा होता रहे और अगली बार उसी पानी को हम यूज कर लेंगे। तो काफ़ी गर्म है ये। तो हल्दी के फ़ायदे भी मैंने आप लोगों को बताए थे, यदि बकरी पालन में आप लोग हल्दी का यूज करते हैं तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहती हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था हल्दी की, जब मैं खुदाई कर रहा था। और जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सारी खुदाई से लेकर पकाने तक की सारी प्रोसेस आप लोगों को दिखा दूँगा। चूँकि कई भाई इसको नहीं जानते हैं, यदि उन्होंने बो लिया हल्दी तो वो सोचते हैं कि हल्दी खोदने के बाद ही उसको यूज में लिया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, इसको उबालना पड़ता है। उबालने के बाद इसको धूप में सुखानी पड़ती है, सुखाने के बाद फिर हम इसको मशीन से पाउडर फार्म में बनवाते हैं। तो बटुआ काफ़ी गर्म है और कई बार में उबालेंगे इसको हम लोग। तो आज ये था कि आप लोगों को वीडियो दिखा दिया जाए हल्दी के ऊपर कैसा क्या प्रोसेस है, और जैसा मैंने बताया कि मैं हल्दी हमेशा बकरियों में यूज करता हूँ, पर डे यूज करता हूँ, कभी कभार छूट गया है, ध्यान नहीं रहा तो बात अलग की है, बाकी मैं डिब्बे में पिसा के हल्दी रख लेता हूँ। और हल्दी रखने के बाद जब भी मैं पानी यूज करता हूँ, शायद मैंने वीडियो उस पर बनाया या नहीं बनाया तो मैं मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है, पानी में कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी है ताकि हर चीज़ अलग ना देनी पड़े, ये सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने अगला बटुआ जो है पानी चढ़ा दिया है और ये हल्दी मैंने उसमें डाल दी है। इसके बाद लेंगे वही गर्म पानी जो मैंने नीचे बाल्टी में रखा था और वो पानी फिर डाल देंगे। तो इससे क्या है कि बार बार हमको पानी गर्म नहीं करना पड़ता, गर्म ही पानी मिल जाता है। तो मैंने कई भाइयों को बोला भी था कि यदि आप लोगों को हल्दी चाहिए, हल्दी की गांठ उपलब्ध नहीं है मेरे आसपास हैं तो मैं उपलब्ध करा सकता हूं, आप ले सकते हैं, कोई भी इसका चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किसी से कोई भी पैसे लेना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता हूं इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ये पानी वही है, गर्म है, कि नेपियर के लिए पैसा ले लिया जाए या हल्दी के लिए पैसा ले लिया जाए, चूँकि ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, कोई एक दो किसान भाई हैं जिनको ज़रूरत है तो ले लेंगे, यदि यहीं पे ज़्यादा लोगों को देना पड़ जाए तो मैं भी नहीं प्रोवाइड करा सकता हूं। तो मैं ये गलत भी नहीं कहता हूं कि यदि कोई चीज़ कोई बेच रहा है नेपियर, यदि आपको पैसे की दे रहा है तो मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं कहता हूं, या हल्दी
या किसी भी चीज़ के वो पैसे ले रहा है, किसानों से पैसे ले रहा है। तो मैं गलत इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि हो सकता है उनके पास कई लोग लेने के लिए जाते हों, काफ़ी मात्रा में लोग जाते हों, तो सबको तो प्रोवाइड करा नहीं सकता, तो फिर उसने अपना चार्ज लेना चालू कर दिया है देने के लिए। और मेरे पास चूँकि बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, एक दो किसान कोई आ गया तो आ गया, नेपियर भी कोई ज़्यादा लोग लेने नहीं आते हैं, चूँकि गाँव है, गाँव में सभी के पास नेपियर और सब कुछ चारा लगा हुआ है। तो कहते हैं एक बोझ जो है वैसे काट के खिलाएंगे, भैंसों को खिलाएंगे, तो किसी ने ले लिया बोझ भर, तो बोझ भर दे दिया, बना के काट के दे दिया, ले जाओ यार फ्री में। तो गांव में ये सब चीज़ें चलती हैं, व्यवहार चलता है, लोग ज़्यादा महत्वता पैसे को नहीं देते हैं इस तरह के काम में। और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि किसान जो है गरीब होता है, और पैसे यदि कोई चीज़ फ्री की मिल जाती है उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, तो थोड़ा उसका मनोबल भी बढ़ता है काम करने में कि मिल जाएगा, चारा भी लगा लेता है अपना, अच्छे से काम करता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हल्दी किसी भाई को चाहिए, गांठ चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। पीसी पिसाई हल्दी नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, जो आप लोग सोच रहे हो कि बिमल भाई हल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं, देने वाले हैं, तो ले आए जाके चूँकि काफ़ी मेहनत मैंने इसमें करी हुई है। बाकी थोड़ी बहुत चाहिए टेस्ट वेस्ट के लिए तो ले सकते हो, दे दूंगा। तो हल्दी के फ़ायदे तो देखो आप लोगों को पता ही है, एंटीसेप्टिक होती है और एंटीबायोटिक होती है, काफ़ी चीज़ों में यूज होती है। आप कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।